नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के समापन पर आज धार में प्रियंका गांधी रैली करेंगी। वहीं राजस्थान में आज सीएम गहलोत का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी होगा। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथीन कोष के घर पर ईडी ने छापा मारा है। उत्तर 24 परगना में छापेमारी चल रही है। रथीन कोष राज्य के खाद्य मंत्री हैं। तमिलनाडु के डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पीएम मोदी लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोग पीएम मोदी और केसीआर की दोस्ती के बारे में जानते हैं। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए आप नेता संजय सिंह की ईडी रिमांड मांगेगी। सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत चरम पर है। उन्नाव पहुंचे बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने जाति गणना का समर्थन किया है। भारत की कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे को 50-27 से हराया। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2023 में 19वां गोल्ड मेडल जीता है। उसमें वीमेंस कंपाउंड टीम इवेंट के फाइनल में जीत प्राप्त हुई है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को आने वाले समय में नेटवर्क की समस्या आ सकती है। दरअसल इंडस टावर्स कंपनी को सपोर्ट देना बंद कर सकती है। वीआई इंडस टावर्स की मेन ग्राहक और कंपनी का नेटवर्क इसी पर काम करता है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग सरकार और उनकी तानाशाही के खिलाफ खड़े होकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी को ईडी सीबीआई और आईटी का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी दंपति और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत को लेकर प्रशासन में बड़ी कार्रवाई की है। डीन श्यामराव वाकोड़े और एक डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में मरीजों की मौत को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार पर समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है। अजित पवार को पुणे जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किए जाने की पर एनसीपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को यह कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वह एक दिन देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मनोज जारंगीर पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मराठा आरक्षण की लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की सहमति से 2019 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपका कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है, हालांकि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह शराब घोटाला है। अक्षय कुमार की साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन रानीगंज सिनेमाघरों में 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ये फिल्म सच्ची कहानियों पर आधारित बताई जा रही है। फुकरे 3 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में एक बार फिर फुकरों की टोली ने अपना जलवा दिखाते हुए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यह लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।